लेकिन मनीष जी, ये कौन पकड़ा गया और कौन जिम्मेदार है, ये तो जो होना था ये पाप हो गया। मैं तीन सजेशन बताता हूँ। एक तो अभी ताजा जो ये घटनाक्रम है और जिसको लेकर पूरे देश में बवाल है, इसका बड़ा सामान्य सा एक समाधान बताता हूँ, और उसके बाद वो भविष्य के लिए भी वो समाधान बिल्कुल हमेशा के लिए लागू होगा। उसके बाद और कारण और चीजें बताऊंगा कि मनीष जी, लाख सवा लाख बच्चे सेलेक्ट हुए हैं मेरे ख्याल से नीट में, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और उनमें 1500 का जो ग्रेस रेस था वो वाला मामला था, या उसके अलावा जो अभी ये जो कुछ लोग पकड़ में आ रहे हैं पेपर लीक के लिए बैठे, तो परीक्षा में 21 लाख। जरा दर्शक समझे ये साजिश को अंजाम देने का पीछे मामला क्या है। तो वो जो 21 लाख बैठे थे, तो वो तो बड़े काबिल नहीं थे, जो काबिल थे 1 लाख तक के वो आ गए नीचे, या 1.25 लाख तक जो थे, या उनके बाद जो 1 लाख होंगे उनको भी आप कह सकते हैं चलिए वो भी काबिल रहे होंगे। बाकी के जो 19 लाख हैं वो तो लफंदर, उनको लफंदर की श्रेणी में रखिए, उनको एक मौका मिल गया बवाल करने का और अपने घर में मुंह छुपाने का कि साहब वो तो नकल हो रही थी इसलिए जो है हो गया, नहीं था मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो नकल हो रही थी, जिन्होंने नकल की, जिन्होंने पेपर लीक किया वो तो सेलेक्ट हो गए, या जो उसके बाद जो 1 लाख है उनके बाद तुम्हारा नंबर है, तुम तो इस लायक थे ही नहीं, तुमको रोना गाना और बवाल करने को अधिकार ही नहीं है। तो कायदे से मनीष जी 2 लाख व्यक्ति है, पर ये पूरा 21 लाख का परीक्षा कराएंगे फिर कोई गड़बड़ी होगी, एक नियम बना दे मनीष, और उसमें सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और परीक्षा भी बड़े स्ट्रिक्ट माहौल में होगी, और उसमें कोई एपर पेपर लीक नहीं होगी। तो आप भविष्य के लिए नियम बना दें कि ये जो लोग सेलेक्ट हुए हैं ये, और इसके बाद की मेरिट में जो 50,000, एक क्राइटेरिया बना ले कि 50,000 को या 1 लाख को, यानी कुल 2 लाख या 1.5 लाख बच्चों की परीक्षा पुनः करा दें, केवल उनकी। वो जो 19 लाख है वो जिसका रैंक जो है 18 लाख और 17 लाख और 14 लाख और 15 लाख में था, उसको थोड़ी दोबारा मौका दिया जाएगा। जिनके ऊपर आरोप है, जिनके ऊपर संदेह है कि इन्होंने पेपर लीक की वजह से इनका इनकी रैंक आई है या मेरिट में आए ये, वो लोग या उनसे उनसे नीचे जो लोग रह गए, 1 लाख या 50,000 का क्राइटेरिया मान लीजिए, केवल उन लोगों की दोबारा परीक्षा करा दीजिए, तो वो जो 67 लोगों के 720 नंबर आए उनकी कलई खुलकर सामने आ जाएगी, और ये कितने लोगों ने पेपर लीक दे के परीक्षा दी थी उनकी भी कलई खुलकर सामने आ जाएगी। और भविष्य के लिए ये नियम बना दीजिए, जैसे आईएएस में होता है कि नीट का पहला एग्जाम प्रीलिम होगा, और उसमें से जो शुरुआत के 2 लाख लोग होंगे या 1.5 लाख जो भी आप क्राइटेरिया रखे हैं उनकी परीक्षा अलग होगी। तो आप जब 1.5-2 लाख लोगों बच्चों की परीक्षा कराएंगे तो ज्यादा संगठित तरीके से होगी, ज्यादा अनुशासित तरीके से होगी, उस पर पूरा नियंत्रण होगा, और पेपर लीक की इस तरह की घटनाएं होना असंभव, लगभग लगभग असंभव होगा। ये हो जाए कि मनीष जी एक के बाद दो बार दीजिए परीक्षा, इसमें क्या परेशानी है आपको? आईएएस के लिए बच्चे देते हैं कि नहीं देते हैं? पहले सीपीएमटी हुई, पीएमटी में भी ये होता था, प्री होता था उसके बाद फाइनल होता था। तो 21 लाख हो, 24 लाख हो, सब दे, और उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाए 2 लाख 2 लाख जो है जो मेरिट बने उनकी परीक्षा दोबारा होगी, महीने भर या 15 दिन के अंदर करवाइए। सब ये पूरी गंदगी है साफ हो जाएगी। एक तो मनीष जी है, दूसरे एक बात कोई उस पर चर्चा नहीं कर रहा मनीष जी, रकम इतनी बुरी तरह से बटी है कि आपके पटना का कोई सेंटर है जिसके दो लोग मेरिट में आए हैं वो भी इसका विरोध कर रहा है, वो भी नीट परीक्षा का विरोध कर रहा है। मैं पढ़ा, मैं चौंका, तो क्यों, ताकि कोई शंका ना करे, ताकि कोई उनके ऊपर उंगली ना उठाए, तो वो भी नीट परीक्षा के विरोध में खड़े, लड़के उनके से मेरिट में आए। तो जरा इस टाइप के लोग कि मनीष जी ये जो पेपर लीक करने वाले हैं ये कोई लंगर नहीं चलाते, ये कोई मंदिर में नहीं बैठते, ये एक एक बच्चे से 25-25 लाख रुपए लिए हैं इन्होंने, जो पकड़ में आ रहे हैं, जितने लोग अभी पकड़ में आए हैं। तो मनीष जी ये 25 लाख रुपए पेपर लीक के लिए देने वाला क्या सड़क पर टहलता है क्या? ये जो पेपर लीक कराने वाले हैं ये क्या अखबार में विज्ञापन देते हैं कि हम 25 लाख रुपए में अखबार पेपर लीक कराना है, हमसे संपर्क करो? और हजारों बच्चे, जाहिर सी बात है कि इनको मनीष जी एक साथ इतने बच्चे कोचिंग सेंटरों से ही मिलते हैं, और वो इनको इसलिए मिलते हैं क्योंकि इनको मालूम है कि कोचिंग में ही जो 10-10 लाख रुपए जिनके बाप दे रहे हैं कि 10 लाख रुपए साल, 12 लाख रुपए साल, मेरे बहुत निकट के परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, उनका बच्चा भी 10-12 लाख रुपए में वहाँ दिल्ली कोचिंग कर रहा है। मैं सहमत नहीं, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ, वो भी कोचिंग कर रहा है, 10-12 लाख रुपए उनका खर्चा आएगा।
तो जब इस तरह के बच्चे कोचिंग में पहुंचते हैं तो ये पेपर लीक करने वाले जानते हैं कि 25 लाख रुपए पेपर लीक के लिए देने वाले क्लाइंट हमको इन्हीं अड्डों से मिलेंगे, कोचिंग के अड्डों से। और ये जो कोचिंग करते हैं ना कि निश्चित सिलेक्शन, श्योर सिलेक्शन, ये श्योर सिलेक्शन को पढ़ा के नहीं कर देते, ये अवसर बच्चे को कोई मेधावी नहीं बना देता, ये ईश्वर बना के भेजता है, ये केवल दलालों की भूमिका में आ गए हैं ये सारे कोचिंग सेंटर। तो इन कोचिंग सेंटरों पर एक नकेल कसने वाली है, मेरा तो सीधे बंद करिए इनको, आखिर स्कूलों में पढ़ाई तो होती है, ये अड्डे बन गए हैं और इन पेपर लीक करने वाले सरगनाओं के एक तरह से डीलर हो गए हैं उनके पास बच्चे सप्लाई करने के, कि हमारे 15 लाख रुपए देके बच्चा आता, 25 लाख तुमको तुमको भी दे देगा, क्योंकि वहाँ नंबर तो बाप दे देगा उसका, तुम्हारा हो जाएगा। तो इनको बच्चे को सड़क पर नहीं मिलते, इनको 90 तो आप कोचिंग सेंटर के बच्चे इनसे इनका पिंड कैसे छूटे और इन कोचिंग सेंटरों पे कैसे हंटर चले, इसके लिए एक नियम बनाना पड़ेगा। और जो अभी एक तो सबसे पहले तो दो इम्तिहान कर दें कि पहली बार के बाद दोबारा 2 लाख दो ही बच्चों का होगा। और दूसरी चीज मनीष, जैसे वो संजीव मुखिया जिसको वो बता दे रहे वही सरगना है, उसकी उसकी शक्ल देख लीजिए तो लगता है रिक्शा विक्सा चलाता पटना में वो, उसकी सूरत ये बता रही, उसके घर की हालत भी यही बता रही, और ये न्यूज चैनल वाले बता रहे यही यही मास्टर माइंड है सरगना है, वो तेजस्वी यादव के पीएस और उसका रिश्तेदार नहीं, वो रिक्शा चलाने वाला एक तरह से सरगना है। कि जितने लोग हैं, जैसे यूपी में पकड़े बाबा ने 150 लोग पकड़े गए हैं यहाँ पे पेपर लीक में, तो आपको याद करिए मनीष जी, जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय या कभी कोई संवेदनशील मामला होता है तो जो हिस्ट्री सीटर होते हैं उनको पुलिस बंद कर देती है, उठा लेती है, उनको उठा लेती है, वो बंद रहती है। तो ये जितने लोग अब तक के इतिहास में पिछले 10-15 साल में ये पेपर लीक में इनका कहीं नाम आया था, पेपर शादियों में इनका कहीं नाम आया था, इन सब लोगों को कोई भी इस तरह की जो परीक्षा हो, नीट की या बड़ी परीक्षा, इनको 1 महीने पहले नजरबंद करने का नियम बना दीजिए, कि क्योंकि ये दागी है, ये पकड़े गए थे, इनके नाम से केस दर्ज है, तो 1 महीना पहले ये सब लोग इनको नजरबंद करिए, कहीं ले जाके बंद करिए, जेल भेजिए, जो कुछ भी करना हो, ये बिल्कुल फील्ड में रहे ही नहीं, तब इस पर अंकुश लगेगा। और ये जो ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं, आप कह रहे हैं इसमें जितने भी कोचिंग माफिया हैं इन सब पर भी नजर रखनी चाहिए, जैसे हिस्ट्री सीटरों को पुलिस, मनीष जी इसीलिए वो संजीव मुखिया की तरफ मोड़ा जा रहा है पूरे प्रकरण में, अगर सही जांच हो गई तो इसमें कोचिंग सेंटर ही फंसेंगे। ये मैंने कहा ना, गई ये 25 लाख रुपए लेकर सड़क पर नहीं टहलता बच्चा की हमारे पास 25 लाख रुपए हमको पेपर लीक करा दो, ये कराने के लिए कोई आदमी, और अगर आप मान लीजिए कोई पेपर लीक कराने वाला किसी आदमी पर पहुंच जाए कौन विश्वास करेगा, ये मीडिएटर की भूमिका में होते हैं ये कोचिंग सेंटर, और यही ये कराते हैं। इन्होंने एक पूरा शिक्षा का ऐसी की तैसी कर दी है। और ये जो दोबारा इसी अभी वाले मामले में केवल जो शुरुआत की मेरिट है उसमें 2 लाख बच्चों को दोबारा टेस्ट करा दीजिए, और ये नियम बना दीजिए कि हमेशा दोबारा होगा, कि जो जो टॉप 2 लाख होंगे उनका दोबारा टेस्ट होगा। और यह होता है, ऐसा नहीं कि कोई अनोखी चीज कह रहा हूँ, आईएएस के लिए होता है, और आईएएस तो आईएएस छोड़ दीजिए मनीष जी, जो मैं तो स्पोर्ट्स का आदमी हूँ कि जो दौड़ने वाले होते हैं, रेस होती है, तो ओलंपिक में जब 5 बार दौड़ता है तब 6ठी बार फाइनल में दौड़ने का मौका मिलता है, या नेशनल लेवल पर भी जो प्रतियोगिताएं होती, तो ऐसा नहीं कि पहली बार दिया उसी में आपका हो जाएगा, दोबारा इम्तिहान दीजिए, जब आप पढ़ रहे हो, पढ़े लिखे हो, ऐसा तो नहीं कि तुमसे कोई घास कटवाई जा रही है, एक बार दिया दोबारा दो, उसके बाद सिलेक्शन होगा, चले जाओ उसमें। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई, मुझे लगता है कि यदि इस पे अमल रत्ती भर किया गया, और खास करके कोच, सबको पता है कि कोचिंग सेंटरों का खेल क्या होता है, लेकिन चूंकि इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं जब बिहार में होता हूँ तो बिहार के अखबारों को यदि आप देखेंगे तो चूंकि बिहार में इंडस्ट्रीज है नहीं, आपको अखबार जितने न्यूज पेपर हैं बिहार का लोकल चैनल्स जानते ही कौन चला रहा है, सिर्फ कोचिंग सेंटर। पूरे मीडिया पर, जैसे दिल्ली के नेशनल मीडिया पर केजरी का कब्जा था ना सर, वैसे बिहार में पूरी मीडिया पर, चाहे वो अखबार हो या रीजनल चैनल्स हो, उस पे आप जितना टिक्कर देखते, जितने यूट्यूबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो इस तरह से पैसे कमाते हैं, वो सब लोकल डिस्ट्रिक्ट वाइज के, जैसे चैनल्स हैं तो उसको तो पूरे स्टेट वाइज, लेकिन जिला स्तर पे जो कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, गांव में जो कोचिंग सेंटर खुले हैं, वो गांव के कोचिंग सेंटर छोटे छोटे यूट्यूब चैनल को चला रहे हैं, उस यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे तो ऐड उस रूप में आता है, तो समझ जाइए कि पूरे सिस्टम पर कोचिंग सेंटरों का कितना बड़ा प्रभाव हो गया है, जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं। ये सामान्य मामला नहीं है कि पूरे स्टेट की मीडिया को कोचिंग सेंटर चला रहा हो,
यूट्यूब जो जितने हैं जो क्षेत्रीय यूट्यूब हैं जो इस तरह के यूट्यूब चलाते हैं, इधर जाकर के इंटरव्यू ले लेना, वहां खबर ले लेना, वो सब गांव में जो छोटे कस्बे में जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उसके एड चलते हैं। और मनीष जी जरा रैकेट देखिए, इतना हाहाकार मच रहा है देश में, पुलिस भी लगी है, ईओडब्ल्यू भी लगा, पूरे देश का मीडिया जुटा हुआ है, चैनल वाले रात दिन इसी में लगे हुए हैं, लेकिन किसी की रिपोर्ट में ना तो न्यूज चैनल की रिपोर्ट में, ना पुलिस की जांच में, ना वो ईओडब्ल्यू की जांच में, कहीं किसी कोचिंग सेंटर का नाम ही नहीं आ रहा। मनीष नाम ही नहीं आ रहा, मैंने कहा ना तो इतना बड़ा बड़ा माफिया है। जब आप सोचिए एक एक बच्चों से जब इतने इतने पैसे, खास करके मेडिकल में तो 5 लाख 6 लाख तो सामान्य बात है कोचिंग में ले लेना, कोचिंग में सिर्फ, तो सोचिए एडमिशन के लिए फिर माँ बाप कितने खर्च करते होंगे। तो ये चीज, इन सब चीजों को समझा जा सकता है। मुझे लगता है कि सरकार को, और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं इसलिए तो कह दिया कि नीट का कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे फिर ऐसा कुछ ना हो इसके लिए इन माफियाओं पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। और एक बात बता दूं मनीष जी, कुछ लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि वो एक करोड़ रुपए जुर्माना, या योगी बाबा ने कानून बनाया कि 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा और 3 साल की सजा हो जाएगी। तो 3 साल की सजा तो हमारे यहाँ अदालत में, सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई में, तो जो 3 साल की सजा है वो 25 साल बाद होगी, तो वो तो दिमाग से होगी भी नहीं, होती भी नहीं आमतौर पे। 25 साल बाद जो बच्चे होंगे वो कहीं अपनी नौकरी कर रहे होंगे, मुकदमा लड़ने आएंगे, तो दिमाग से निकाल दीजिए। और जो 1 करोड़ रुपए मनीष जुर्माने की बात हो रही है, तो अभी तो खुलकर आ रहा है ना, 25 लाख रुपए ले रहे हैं बच्चे से, अगर 2000 बच्चों से भी इन्होंने 25 लाख रुपए लिए हैं तो 500 करोड़ लिए हैं। 1 करोड़ रुपए जुर्माना कौन सी बड़ी बात है? तो ये सोचकर बड़ा खुशमत होइए कि अरे अब इतनी बड़ी बड़ी रकम लगा दी। इसकी मनीष जी कार्ड बताता हूँ और इसको लागू कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये ऐसा बेमौत मरेंगे, ये भागे भागे फिरेंगे जो पेपर लीक कराने वाले हैं, जो सॉल्वर गैंग है, कि बच्चों में कर दीजिए इनाम कि जो बच्चा ये पेपर लीक कराने वाले का सूत्र देगा उसको पकड़वाएगा उसको 50 लाख देंगे। ये कोचिंग सेंटरों में जो जाते हैं ना, तो अपने आप कुछ लोग तो इसी काम में लग जाएंगे, इसीलिए एडमिशन लेंगे कि पकड़वाना 50 लाख रुपए मिलेगा। और ये जो 1 करोड़ रुपए जुर्माना उनकी आप बात कर रहे हैं, एक सिपाही पुलिस के ऊपर कर दीजिए कि पुलिस जो पकड़ेगी तो उसको 1 करोड़ रुपए इनाम, तो इनकी मुखबिरी इतनी बुरी तरीके से होने लगेगी कि इनका जीना हराम हो जाएगा। वो पकड़वाने के लिए इनाम सार्वजनिक कर दीजिए कि जो बच्चा पकड़वाएगा उसके लिए 1 करोड़ इनाम कर दीजिए, ये इससे पूरी आपको निजात मिल जाएगी। ये तो देखिए एक नजर एक कमेंट्स पे पड़ गई, दिनेश जी हैं वो लिख रहे हैं कि भोपाल में एक सज्जन मिले थे, उस साल में 10 करोड़ से ज्यादा कोचिंग से कमाते हैं, पूर्व आईआरएस थे, नौकरी छोड़कर कोचिंग चला रहे हैं। और ये बहुत सारे ऐसे आईआरएस आईएएस आईआईटीएन जो जिनका काम कुछ और था, जो आईआईटी इसीलिए किए थे, जो आईएएस इसलिए बने थे, लेकिन वो इस धंधे में, चूंकि ये धंधा इतना व्यापक है, तो इसीलिए सरकार को इसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। और ये जितने ऐसे ऐसे लोग सर चलाते हैं कोचिंग, वो कभी क्लास व्लास नहीं लेते, कभी क्लास नहीं लेते, बस सिर्फ उनके नाम पर ये दुकान चल रही है।